हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड आज के इस वीडियो में हम मोटो जी 54 5G का कैमरा का रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे कि लो लाइट में ये कैसा परफॉर्म करता है, आउटडोर में, सनलाइट में, अगेंस्ट सनलाइट कैसा परफॉर्म करता है, वीडियो के लिए क्या बाई करना चाहिए, तो ओवरऑल क्या ये फ़ोन कैमरा के लिए बाई करना सही डिसीजन रहेगा या नहीं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वैसे इसका हमने परफॉर्मेंस टेस्ट फ्री फायर वगैरह कर दिया, दो वीडियो चेकआउट ज़रूर से कर सकते हैं। सो दोस्त, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लो लाइट की बात की जाए, हमारे रूम में एक ट्यूब लाइट है, उसी के थ्रू हमने ये पिक्चर्स क्लिक किए हैं। गाइस यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल पिक्चर की बात कर ली जाए तो देखने में काफ़ी सही लगता है, स्किन टोन वगैरह भी देखने में अच्छा लगता है। बट कि जैसे ही आप जूम करते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा अजीब सा फील देता है, ओवर शार्प भी नहीं कह सकता, पता नहीं ये कैसा फील देता है। यहाँ पे गाइस एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि पोर्ट्रेट भी मतलब ठीक ठाक काम कर लेता है, लेकिन बाई चांस कभी ये पोर्ट्रेट को मिस भी कर देता है। एज डिटेक्शन उतना बेहतर नहीं है फ्रंट कैमरा का बेसिकली, और बाकी बैक का भी वही हाल है लो लाइट में, तो मतलब एवरेज देखने को मिल जाता है लो लाइट में। अब दोस्त यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पिक्चर क्लिक किए हैं आउटडोर में, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल पिक्चर की बात कर लिया जाए, काफ़ी सारे आप मल्टीपल पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं, तो ओवरऑल देखने में बहुत ही सही आता है। यहाँ पे पता नहीं मोटो वाले ने कैसे ऑप्टिमाइज़ किया है, जो बैकग्राउंड है उसका कलर थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, जो जिसके वजह से भाई मतलब पिक्चर देखने में बहुत ही शानदार लगता है। तो बहुत ही कमाल का पिक्चर यहाँ पे शो आपको करा देता है जब भी आप बैक कैमरा यूज़ करते हैं। या गाइस पोर्ट्रेट की बात कर ली जाए तो पोर्ट्रेट में भी सेम हाल है, पोर्ट्रेट मुझे लगता है कि जो नॉर्मल पिक्चर है उससे थोड़ा ये बेटर मैनेज करता है, थोड़ा कलर को और इन्हेंस कर देता है। बट साथ ही गाइस यहाँ पे एक इशू ये भी है कि पोर्ट्रेट जब आप क्लिक करते हैं तो 99% टाइम पे ऐसा होता है कि पोर्ट्रेट को मिस कर देता है। जैसे मैं ऐसे करूँ तो यहाँ पे साइड से गैप जो बन रहा है उसको मैनेज नहीं कर पाता है पोर्ट्रेट में, बट ऐसे अगर आप पूरा हाथ ऐसे चिपका कर खींचेंगे फोटो तो उस टाइम पे ये सही से मैनेज कर लेता है। एंड बैकग्राउंड ब्लर भी इसका काफ़ी सही है, कलर को थोड़ा बूस्ट कर देता है बैकग्राउंड में, जो कि देखने में भी काफ़ी सही लगता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बैक कैमरा भी इसका बेटर लगता है, पोर्ट्रेट की बात किया जाए या नॉर्मल दोनों में ही अच्छे से वर्क करता है। अगेंस्ट लाइट भी थोड़ा स्ट्रगल करता है, वहाँ पे भी आपको फ्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं अगेंस्ट लाइट, बट अगर लाइट के साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं धूप में तो वहाँ पर भी मतलब ठीक देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा, इन सब पिक्चर्स के अलावा किस यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात ये हो जाती है कि जब भी आप इन पिक्चर्स को जूम करते हैं उस टाइम पे भाई ऑलरेडी आपको बताया कि थोड़ा सा फटाफटा जैसा पिक्चर देखने को मिल जाता है, ओवर शार्प भी नहीं फील होता है, अजीब सा मतलब वो है, तो जूम करने पे थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता है पिक्चर। लेकिन ऐसे अगर आप नॉर्मली पिक्चर क्लिक करते हैं और मतलब बिना जूम किए अगर पिक्चर को देखते हैं तो उस टाइम पर यह बहुत ही सही देखने में लगता है। वहीं पर अल्ट्रा वाइड की बात कर लिया जाए तो ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, वैसे रियल लाइफ में अल्ट्रा वाइड बहुत ही कम यूज होता है तो हमने भी उतना ज़्यादा इससे शॉट नहीं किया। तो यहाँ पे क्लियरली कहूँगा कि कैमरा ओवरऑल यहाँ पे ठीक देखने को मिल जाता है आपको, मतलब जूम नहीं करेंगे तो बेस्ट है। बाकी थोड़ा आप एडिट कर सकते हैं लाइट रूम वगैरह पिक्सार्ट वगैरह में, थोड़ा आप स्मूथ कर सकते हैं पिक्चर को, उसके बाद से कि ये मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में बेस्ट कैमरा हो सकता है। अब दोस्त यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं, फ्रंट एंड बैक आपको सैंपल दिखाता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि फ्रंट में भी 1080p 60fps सपोर्ट करता है एंड बैक में भी 1080p 60fps सपोर्ट करता है। भाई इस यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ एंड ऑन करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली मैं आपको ऑन या ऑफ दोनों करके दिखाता हूँ एंड इस मतलब अगेंस्ट लाइट एंड विथ सनलाइट कैसा परफॉर्म करता है वो भी आपको चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पे फ्रंट में ही हम शूट कर रहे हैं एंड स्टेबलाइजेशन को ऑन कर दिए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कैसा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे भी लाइट देख सकते हैं, सन का आ रहा है डायरेक्टली हमारे फेस पे ही, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। एंड बैक करूँ मैं यहाँ पे अपोजिट जाऊँ तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, तो आई थिंक कि सही देखने को मिल रहा है। बाकी मैं वीडियो चेकआउट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये बैक से रिकॉर्डिंग हो रहा है 60fps पे 1080p आई थिंक ये सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन है आई थिंक एंड किस यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये मैनेज करता है। अब किस यहाँ पे हम सनलाइट में आ चुके हैं तो मैं आपको सनलाइट डायरेक्ट फेस पे आ रहा है तो ऐसा दिखाता हूँ कैसा आपको देखने को मिल जाता है। अब किस यहाँ पे अगेंस्ट लाइट चलते हैं तो गाइस देख सकेंगे कि कैसा आपको लाइट मैनेज करते हुए देखने को मिलता है। इधर देखो मॉडल जी, सो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे ये लाइट को मैनेज कर लेता है, ठीक ठाक मतलब लग रहा है, बाकी देखकर बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेबलाइजेशन ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये भी मैक्स 60fps सपोर्ट करता है, तो उसी सेटिंग पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन का पता चल जाएगा कि कैसा देखने को मिल जाता है। भाई इस यहाँ पे लाइट कंट्रोल भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जब लाइट आता है फेस पे तो ये कैसे मैनेज करता है देख सकते हैं कुछ ऐसा। अब गाइस यहाँ पे अगेंस्ट लाइट चलते हैं तो देख सकते हैं गाइस कुछ इस टाइप का आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा अगेंस्ट लाइट में,
ठीक ठाक लग रहा है बट फ्लेयर बन जा रहा है। सो गाइस यहाँ पे आपने वीडियो देख लिया, मैं इतना कहूँगा कि ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग सही है एंड 60 FPS फ्रंट में भी दे दिए हैं। तो ऐसे में आप अगर मतलब एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वैसे वो भी मैं आपको सिंपल दिखा दूंगा, तो इसमें मतलब 60 FPS सपोर्ट करता है, ये अच्छी चीज़ लगी। बाकी गाइस यहाँ पे अगेंस्ट लाइट जाने पे ये थोड़ा फ्लेयर बनाता है, जैसे कि आपने पिक में भी देखा होगा उसी टाइप का, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बाकी जूम करने पे इसमें भी थोड़ा सा मतलब वीडियो में भी आप जूम करके देखिएगा अपने वीडियो क्वालिटी को, तो वहाँ पे भी ये थोड़ा ओवर शार्प अजीब सा मतलब फील देता है, जैसे कि फोटो में देखने को मिलता है। बाकी कलर वगैरह स्किन टोन वगैरह सही देखने को मिल जाता है, बट वही जो थोड़ा बहुत दिक्कत है जो कि अगेंस्ट लाइट जाने पे थोड़ा फ्लेयर बन जा रहा है और थोड़ा ओवर शार्प जैसा देखने को मिल जा रहा है, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि यहाँ पे मतलब सही देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस यहाँ पे अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो इस फोन को अगर आप ऐसे करके फ्रंट या बैक से, मैं आपको बेसिकली बैक से ही दिखाता हूँ, तो बैक से शूट करने पे ये कैसा आपको परफॉर्म करके देगा वो बेसिकली आप ये पहले देख लीजिए आप क्लिप। सो गाइस सपोज कीजिए कि आप एक क्रिएटर हैं तो इस फोन को मतलब मोटो G54 को अगर आप यूज करना चाहते हैं अपने यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वगैरह के लिए, तो गाइस कैसा वीडियो क्वालिटी ये प्रोवाइड करेगा। तो देख सकते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 60 FPS पे, एंड गाइस कुछ ऐसा आपको साउंड क्वालिटी वैसे सुनाई देगा। हमने माइक फोन का ही यूज किया है, कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा आपको साउंड क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। ये मैक्स 60 FPS ही सपोर्ट करता है 1080p पे, तो वही पे मतलब ये रिकॉर्ड हो। सो गाइस आपने ये क्लिप देख लिया, ओवरऑल मैं कहूँगा कि ठीक ठाक देखने को मिलता है, उतना बढ़िया नहीं परफॉर्म करता है, एंड इस प्राइस रेंज में जनरली कोई भी फ़ोन आपको उतना अच्छा क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। बाकी एक चीज़ अच्छी लगी कि स्टेबलाइजेशन इसमें अच्छा वर्क कर लेता है, फ्रंट या बैक दोनों में ही आप मस्त यूज़ कर सकते हैं, तो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी कहूँगा ओके है, बट फोटो के लिए मुझे ये फोन थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। फाइनली गाइस कुल मिलाकर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये फोन कैमरा के लिए सही है, मतलब ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, इसका फोटो मुझे बेटर लगा कंपेयर टू वीडियो, एंड अदर फोन से कंपेयर करेंगे इस प्राइस रेंज में जनरली इन्फिनिक्स लावा वगैरह है, रियलमी का तो अभी इस प्राइस रेंज में फोन ही नहीं आ रहा है 12-13 हज़ार का अप्रॉक्स में, अच्छा जिसमें भाई मतलब अच्छा कैमरा सैंपल वो प्रोवाइड करें, तो इस कैमरा को अगर आप इन्फिनिक्स के कोई फोन से कंपेयर करें जो इस प्राइस में आता है एंड साथ ही गाइस लावा वगैरह का, तो उनसे गाइस यहां पे क्लियरली कहूंगा कि मच बेटर है वीडियो क्वालिटी में, मतलब ठीक ठाक परफॉर्म करता है बट फोटोज इसके काफ़ी बेटर आते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ लगी कि पोर्ट्रेट में ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा ये कलर बूस्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, ये होता है वो देखने में बहुत ही सही लगता है, तो कुछ ऐसा रहता है कैमरा इसका। उम्मीद है आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, एंड ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा ताकि नेक्स्ट जो फ़ोन है उसका भी हम कैमरा सैंपल आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैमरा के लिए फ़ोन कैसा रहता है। बाय द वे गाइस ये शूट जो हो रहा है वीडियो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर है, तो ये शूट हो रहा है इन्फिनिक्स 035 जिसे 1080p 30 FPS मैक्स सपोर्ट करता है पोर्ट्रेट वीडियो में। मेरा आईफोन भी 1080p 30 FPS सपोर्ट करता था बट अभी वो डेड हो चुका है, जो कि सर्विस सेंटर में गया है, आई थिंक फ्री में हो जाए रिपेयर, तो वो भी मतलब जानकारी आपको दूंगा। सो कुछ ऐसा रह जाता है। सो दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।